आई एवरी वन वेलकम टू करण क्रंथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूँ इस पर मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके जेके एस एस बी सुपरवाइजर के उस पर हमारा जो स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है ठीक है आपकी आपको एक सेपरेट प्ले लिस्ट मिल जाएगी मेरी चैनल पर स्पेशलाइजेशन की उसमें करंटली हमारा मैराथन कम रिविजन सीरीज़ चल रही है साथ में मैं आपके यूनिट वाइज एम सी क्यूज़ भी जल्दी लेके आऊँगी ठीक है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं अगर आप यू पी एस सी या स्टेट पी एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशलॉजी आपको ऑप्शनल है तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि मैं करंटली इस इसमें नितिन सांगवान सर की जो एसेंशियल सोशालोजी वाली बुक है उसके वीडियोज भी कवर करवा रही हूँ तो उसमें हमारा पेपर ए कवर हो गया है एंड पेपर बी के फाइव चैप्टर्स टोटल रहते हैं ठीक है तो अगर आप इन सब चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे बताएं वीडियो कैसे लगते हैं अगर आप मुझे सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं जो कमेंट्स में हार्ट के अंदर डॉलर वाला साइन है वो आप वहाँ से देख सकते हैं प्लस अगर आप चाहें तो आप वॉलेंटरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी चैनल की तरफ आपको मेरा यूपीआई आई डी सेक्शन में पिन किया हुआ या मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हम इंडियन हिस्ट्री का जो फ्रीडम वाला पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल वहां से हमने अपना हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट स्टार्ट किया ठीक है एंड इसमें हमने कंप्लीट किया है ऑलरेडी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं तो जैसे हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है फिर हम एंशंट मेडिवल जो स्टार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे ठीक है तो फ्रीडम मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बड़ी रिवाइजन क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या किया है इसमें सेवेंटीन में मैंने कहा आपको आए थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी थी ट्रेड करने के लिए मेजर मेजरलीकिन में स्पाइस में में ठीक है स्पाइसेस उसके बाद हम ट्रेस करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल को ऑफ 1857 से जिसको कई ने क्या कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 इस वॉर के बाद उस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी जो कंपनी का रूल था पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था वो किसके पास चला गया क्राउन के पास ठीक है तो डिटेल आपको लेक्चर से मिल जाएगा हम बस यहाँ पे कोई क्रिकेप करें वो आपका एटीन तक हो गया फिर हमने कुछ ऑर्गेइजेशन पढ़ी प्री आई एन सी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी उनके लीडर्स भी फिर फेज स्टार्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 से इसको हम तीन फेजेज में फिर डिवाइड करते हैं पहले आपका चला एटीन एटी फाइव टू नाइन कौन सा वाला फेज मॉडरेट्स का फिर नाइनटीन टू नाइनटीन हमने देखा एक्सट्रीमिस्ट का फेज ठीक है उसके बाद हमने देखा गांधी फेज जो आपका कब तक चला पूरा इंडिपेंडेंस तक इंडिपेंडेंस तक, ठीक इंपॉर्टेंट चीज हुई 1903 में अनाउंस किया ब्रिटिशर्स ने कि हम पार्टिशन करेंगे बंगाल को ऑल दो इन्होंने किस वजह से किया था ताकि जो एक यूनिटी ग्रो हो रही थी बंगाल में उसको ब्रेक कर सके लेकिन इन्होंने रीजन क्या दिया था बंगाल इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर फाइन वो इनका एक गलत रीजन था तो इंडियंस जो थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसीलिए मॉडरेट्स ने 1903 में एक एंटी पार्टीशन एंटी पार्टीशन कैंपेन जो है या एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी थी एंड इस टाइम तक आते आते एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मॉडरेट्स पे थोड़ा हावी हो गए थे कांग्रेस में और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने नाइनटीन में क्या किया था एक मीटिंग हुई थी टाउन हॉल सेवेंथ अगस्त 1905 में टाउन हॉल कैलकाटा में एक मीटिंग हुई थी जहां पे उन्होंने क्या कहा था बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास किया था कहा था हम ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेंगे पहले कौन से गुड्स बॉयकॉट हुए थे आपके मैनचेस्टर क्लोथ एंड लिवरपूल सॉल्ट ठीक है उसके बाद फिर काफी ज्यादा मूवमेंट जो थी वो एक्सपैंड हो गई थी काफी सेंटर्स भी हमने इसके देखे कहाँ कहाँ चली थी अक्टूबर 1905 में फिर क्या हुआ था ब्रिटिशर्स ने उसके बाद अनाउंस किया था कि हम फाइनली जो है विल we'll uh, तो गो अहेड विद ठीक है नॉट एनी अटेंशन टू वट एवर वॉज गोइंग ऑन इन बेंगाल एंड एन अदर सेंटर्स ऑफ इंडिया तो उनने कहा हम पार्टीशन करेंगे गो पार्टीशन उसके बाद हमने एंटी पार्टीशन सपोर्ट किया था एंड स्वदेशी बर्कआउट मूवमेंट को सपोर्ट किया था 1906 में कैलकटा में सेशन हुआ था दादाबाई नेहरू जी इसमें इंपॉर्टेंट फिगर थे तो इसमें क्या हुआ था पहली बार आईएनसी ने कहा था स्वराज जो है हमारा गोल रहेगा इससे पहले जो मॉडरेट्स थे आई एन सी वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स एंड मॉडरेट्स का कभी भी ये नहीं रहा था स्वराज एम ये एक्सट्रीमिस्ट का स्टार्टिंग से ही रहा था मॉडरेट्स का क्या कहा रहा था वो थ्री पीज़ वाला ठीक है प्रेयर्स पेटिशन एंड प्रोटेस्ट उसके बाद 1907 में हमने और एक सेशन देखा इंपॉर्टेंट जिसमें सूरत स्प्लिट हुआ था एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अलग हो गए थे क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे अब इतना ज्यादा मूवमेंट क्रिएट हो गई है ये ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करें पर मॉडरेट्स को पता था हम अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है एंड हमें इतनी वा, वर्ल्ड वाइड जो है कंट्री वाइड मूवमेंट लॉन्च नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिफॉर्म्स जो है ब्रिटिशर्स वो जल्दी लेके आएंगे एंड ब्रिटिशर्स लेके भी आए वो रिफॉर्म्स किस रूप में आए थे मॉडलिमेंट और रिफॉर्म नाइनटीन में जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी 1909 के रिफॉर्म्स में एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट था आपका एंड सत्यन्द्रनाथ सिन्हा पहले इंडियन जिनको अपॉइंट किया गया था कहाँ पे वॉइस राइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ठीक है तो ये सारी चीजें उसके बाद हम आगे चले हमने देखा फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रेवोल्यूशनरी फेज हमने देखा तो पंजाब में कुछ इंपॉर्टेंट नाम वो आप याद रख लेना वो हमने देखे फिर हमने देखा गदर पार्टी काफी इंपॉर्टेंट फॉरेन में कहाँ कहाँ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में ठीक है सैन फ्रांसिस्को तो गदर ये जो पार्टी है इन्होंने अपना अटैक लॉन्च करने के पीछे दो रीजन थे एक आपका शिप वाला कोमागाटा मारो इंसिडेंट हुआ था एंड जो वर्ल्ड वॉर वन आपकी नाइनटीन में हुई थी ठीक है कोमागाटा मारू इंसिडेंट आपको याद होगा इसमें क्या था इंडियन ने एक शिप हायर करी थी जाने के लिए सिंगापुर से वैनकूवर पर उनको वहां पे नहीं एंट्री मिली थी वैनकूवर कैनेडा में एंड उनको इंडिया वापस भेज दिया गया था जहाँ पे कैलकटा में उनको काफी वहां पे फायरिंग हुई थी ब्रिटिश आर्मी के थ्रू ठीक है एंड वहां पर ट्वेंटी लोग जो है उनकी डेथ हुई थी इस वजह से देवर वेरी वे देवर वे इन्फ्यूज बाय दिस इवेंट जो गदर राइट्स थे आपके एंड उन्होंने डिसाइड किया कि हम ट्वेंटी फर्स्ट फेब्रुवरी को क्या करेंगे अटैक लॉन्च करेंगे पर ब्रिटिशर्स को पहले ही इस बारे में पता चला था एंड अटैक फेल हो गया था इसमें याद रखें हेडक्वार्टर कहाँ पे इनके वीकली का क्या, क्या नाम था गदर एंड देन ये एक सेक्युलर मूवमेंट सेक्युलर पार्टी थी ठीक है सेक्युलर फिर हमने कुछ फॉरेन में कुछ पार्टीज देखी जैसे लंडन में लंडन में कौन सी थी आपकी इंडिया हाउस वो किन ने किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एंड हमने देखा पेरिस में आपके बिकाजी कामा मैडम जी बिकाजी कामा उनका वीकली का क्या नाम था बंदे मातरम ठीक है तो ये सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी पड़ी हुई है यूरोप में भी हमने देखा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का फॉरवर यूरोप में वीरेंद्र नाथ ठीक है उनका वो कहाँ पे थे बर्लिन में ये हो गया फिर हमने सिंगापुर में भी देखा सिंगापुर में इंपॉर्टेंट नाम कौन से थे आपके जैसे जमादार चस्ती खान वगैरह ठीक है तो ये सारी चीजें जो हमने अभी तक देखी हैं ये आपको याद रखनी है फिर हमने देखा वर्ल्ड वॉर वन जो है उसका रिस्पॉन्स क्या आया था रिस्पॉन्स वर्ल्ड वॉर वन का मॉडरेट्स ने कहा था हाँ हमें हेल्प करना चाहिए ब्रिटिशर्स को एक्सट्रीमिस्ट ने कहा था हेल्प करना चाहिए इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा एक सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी लेकिन जो आपके रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हैं वो क्या कहते थे वो बोलते थे नहीं इट्स अ राइट टाइम टू वेज वॉर ऑन ब्रिटिश वेज वॉर ऑन ब्रिटिश ठीक है ये सब मैं आपको हर लेक्चर से पहले पुराना रिवाइज करवाती हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड हिस्ट्री जो आपको भूलती है एंड देन अगर हम लेक्चर्स में ऐसे रिवाइज करते रहेंगे तो आपके रिविजन के लिए आपके मेमोराइजेशन uh, के लिए एंड रिटेंशन के लिए काफी अच्छा रहेगा ठीक है थीके? तो स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो आज के लेक्चर से देखते हैं हमें क्या पढ़ना है उसके बाद हम चलते हैं हमारे और एक फेज की तरफ जो था आपका होम रूल मूवमेंट नाइनटीन सिक्सटीन ये जो होम रूल मूवमेंट है अब देखो थोड़ा क्या आ गया था एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था हमने अभी तक पढ़ा मॉडरेट्स का भी अब सही से काम नहीं चल रहा था एक्सट्रीमिस्ट भी उसके बाद जब वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आई थी नाइनटीन के बाद एक्सट्रीमिस्ट का भी हमें कुछ खास ऐसे देखने को नहीं मिला था रेवोल्यूशनी नेशनलिस्ट जो थे वो अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे पर हाँ कुछ फेल हो रही थी कुछ अटैक्स हो रहे थे उनको भी वॉयेंटली जो है ब्रिटिशर्स सप्रेस कर रहे थे तो ओवरऑल फ्रीडम मूवमेंट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था दैट मीन्स एक लल पीरियड आ गया था जब कुछ खास काम नहीं हो रहा था फ्रीडम मूवमेंट के लिए मतलब ऐसा कुछ नोटिस नहीं हो रहा था बैकग्राउंड में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लेकिन कुछ नथिंग नोटेबल वाज हैपनिंग तो ऐसे में क्या हुआ था एक होम रूल मूवमेंट चली 1916 से तो ये जो मूवमेंट है इसके आपको दो इंपॉर्टेंट लीडर्स याद रखने हैं एक है आपका बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक एंड एक है आपके एनी बेसेंट इन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ की थी होम रूल बाल तिलक हमने पढ़ा था स्वदेशियन बॉयकॉट के बाद इनके साथ क्या किया गया था इनको जेल भेजा था सिक्स ईयर्स के लिए अगर आपको याद होगा मंडलिया जेल छह साल के बाद इनको वहां से रिलीज किया गया था एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया पार्टिसिपेट किया एक होम रूल मूवमेंट आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज की इन्होंने सेटअप करी थी तो इन्होंने करी सेटअप ये अप्रैल 1916 में एंड जो एनी बेसेंट है इन्होंने सेपरेट सेटअप uh, करी थी होम रूल मूवमेंट अपनी तरफ से सितंबर 1916 में ठीक है इन्होंने की थी इन द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक सेंट्रल प्रोविंस यूपी वाला एरिया बिरार एंड इन्होंने ये रेस्ट ऑफ द इंडिया वहां पर करी थी और इन्होंने महाराष्ट्र में थी एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी बॉम्बे सिटी इन्होंने करी रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे ठीक है और इसमें याद रख लेना काफी इम्पोर्टेंट लीडर्स ने इसको ज्वाइन किया था होम रूल मूवमेंट को ठीक है उसने पार्टिसिपेट किया था एंड सपोर्ट किया था मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय मोतीलाल नेहरू ला, लाला लाजपत राय जवाहरलाल नेहरू एंड आपके थे मोहम्मद अली जिन्ना और भी थे पर ये नाम आप इंपॉर्टेंट है ये नाम आप याद रखोगे ठीक है ये सारे जो लीडर्स थे ये एसोसिएटेड थे इसके साथ आपके होम रूल मूवमेंट के साथ और जो एनी बेसेंट है इनके क्लोज एसोसिएट्स में आते थे जॉर्ज अरुणेल जॉर्ज अरुणेल एंड बी डब्ल्यू वाडिया ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बी डब्ल्यू वाडिया इसके बाद ये मूवमेंट जो थी ऑल दो थोड़ा सा इनका रहा इन, मतलब असर राज से काफी अच्छे लीडर्स ने ज्वाइन किया काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रख लेना सर सुब्रमण्य अयर जो है ही रिनाउंस इज नाइटहुड रिनाउंस नाइटहुड जो इनको मिला था सर सुब्रमण्य अयर को इसी के टाइम पे इन्होंने अपना जो है नाइटहुड वो भी रिनाउंस किया गिव अप कर दिया था अपना टाइटल ठीक है तो ये सारी चीजें अब हुआ क्या बेसिकली ये जो मूवमेंट थी 1919 आते आते ये मूवमेंट फेड आउट हो गई मतलब उतनी सक्सेसफुली नहीं रही फेडेड आउट बाय 1919 अब क्यों नहीं ज्यादा सक्सेसफुल रही क्योंकि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी आप देखो कहाँ पे एनी बेसेंट एक इंसान पूरे इंडिया में फैली हुई है अन तिलक ने भी सेटअप किया अलग अलग जगह किया लेकिन है लेकिन लूजली ऑर्गेनाइज था ठीक है ये कुछ ऐसा कुछ कंक्रीट फॉर्म में एक पार्टी या कंक्रीट फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी तो लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया में कम्युनल राइट्स हुए थे 1917 एंड 18 में उस वजह से भी जब ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हैं तब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बड़े कम हैं ठीक है ठीके? एक कम्युनल राइट चल रहे थे एंड अगेन मैंने कहा ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी जो ही वो देख रहे थे कोई एक मूवमेंट सामने आ रही है लोग फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं वो एक ट्रॉफी लेके आते थे रिफॉर्म्स के नाम पे तो ऐसे एक रिफॉर्म आए थे जिनको हम बोलते हैं मोन्टेगू गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइन जो नाइन सेवनटीन में थे एंड सामने आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रूप में ठीक है तो ये रिफॉर्म्स आए थे तो अगेन जो मॉडरेट्स इस चीज को होम रूल मूवमेंट को स्टार्टिंग में सपोर्ट कर रहे थे उनको लगा नहीं अब हमारे पास रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो ठीक है हम स्टेप बैक करते हैं ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे ठीक है तो इस वजह से क्या हो गया था वो जो तिलक है

1960 में होम रूल मूवमेंट चली दो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं बाल गंगा द तिलक एंड एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक वही है जिनको स्वदेशी बॉयकॉट के बाद छह साल के लिए मंडलिया जेल भेज दिया गया था नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन में उन्होंने सेटअप करी होम रूल मूवमेंट इन इन जगहों पर एनी बेसेंट ने रेस्ट ऑफ द इंडिया में की एंड कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है वो भी इसके साथ एसोसिएट जो है वो हो गए थे लेकिन ये फेड आउट हो गए क्योंकि इफेक्टिव नहीं थी कम्युनल राइट्स हुए थे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स की बात की तो मॉडरेट थोड़ा स्टेप बैक लेने लगे एंड मॉडरेट्स ने इस वजह से भी स्टेप बैक लिया क्योंकि तिलक जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते थे ठीक है तो ये इस वजह से मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही थी तो हम देखते हैं फिर हुआ क्या मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म जो है मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1917 में उन्होंने अनाउंस किए थे एंड सामने आए थे वो थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो इसमें क्या हुआ था इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी इसमें इन्होंने कहा था कि हम ठीक है हम आपको क्या करेंगे इंडिया में हम इंट्रोड्यूस करेंगे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट That means, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होगी तो उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे उन्होंने जिक्र करना शुरू किया था कि ठीक है आपको अपनी एक गवर्नमेंट हम दे देंगे गवर्नमेंट लाएंगे ये उन्होंने डिक्लेर किया था 1917 में जिस डिक्लेरेशन से ये बात सामने आई थी उसको बोला जाता है ऑगस्ट डिक्लेरेशन मतलब ऑगस्ट में उन्होंने डिक्लेयर किया ठीक है तो उसको बाद मतलब अगस्त डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन क्या होता है वही पुट फॉरवर्ड करने के लिए एक एक रिलीज किया एक सर्कुलर ऑगस्ट डिक्लेरेशन के नाम से 1917 में कहा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे तो इसके बाद क्या हुआ अगर अब कोई डिमांड करता है कोई इंडियन फ्रीडम फाइटर कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दो तो वो एक्ट ऑफ सेडिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा जैसे पहले ही करते थे सेडिशन क्या होता है जब आप जो एस्टेब्लिश रेजीम है उसके खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हो कि लोगों के अंदर वो नफरत पैदा हो जाती है एंड फ्यूचर में वो लोग जो है कुछ प्रोटेस्ट या एजिटेशन कर सकते हैं ये मैंने पुराने लेक्चर में आपको बताया सेडिशन क्या होता है तो जब इन्होंने ब्रिटिशर्स खुद ही बोल रहे हैं हाँ जस्ट वेट हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे दैट मीन्स अब अगर आप भी डिमांड करोगे सेल्फ गवर्नमेंट इट वोट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ सेडिशन ठीक है ये एक चीज हुई थी लेकिन इंडियन सेटिसफाई नहीं थे क्योंकि ये किस मैनर में सेल्फ गवर्नमेंट लाएंगे एंड किस टाइम पे ये लाएंगे वो उन्होंने कहा था वो हम पे छोड़ दो दैट मीनस वो मैनर एंड टाइम इन्होंने डिसाइड नहीं किया था मतलब इन्होंने बस आपको ये बात बोली थी हाँ ठीक है आप प्रोटेस्ट मत करो हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे जस्ट वेट हम अपनी मर्जी से देंगे इन किस तरीके से आनी चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट वो भी हम डिसाइड करेंगे तो जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे वो इस बात को लेकर सेटिसफाई नहीं थे उन्होंने सोचा ये क्या हुआ इतने साल से हम सालों से हम लगे हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग चीजें हो रही हैं एंड आप हमें आप बोलते हो कि हम गवर्नमेंट दे, दे देंगे आपको लेकिन कोई एक कंक्रीट फॉर्म में आप अपनी बात सामने नहीं रख रहे हो आप बस बोल रहे हो अपने मैनर एंड अपने टाइम के हिसाब से आपको दे, दे देंगे तो ब्रिटिशर्स को तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने ये बात जो है उनके लिए नागवार ये बात थी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे तो क्या हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन काफी बड़ा एक्ट है लेकिन आप टेंशन नहीं लो हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही सिर्फ डिस्कस करेंगे इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या किया था इन्हने क्या चीज लाई थी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी डया डर की।, की अगर आप रिकॉल करोगे हमने पढ़ा है पहले आई गेस हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर्स में कहीं मैंने आपको पढ़ाया था डया में क्या होता है जो आपके लिस्ट होती है जो आपके सब्जेक्ट होते हैं जिनपे रूल करना होता है जिनपे लॉ बनाना होता है ठीक है वो सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ठीक है तो इन्होंने वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड किए थे दो लिस्ट में एक थी रिजर्व लिस्ट एंड एक थी आपकी ट्रांसफर्ड लिस्ट ठीक है अब रिजर्व लिस्ट में कौन थे रिजर्व लिस्ट थी जो गवर्नर है प्लस हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो उनके लिए रिजर्व थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट में कौन से थे आपके मिनिस्टर्स मिनिस्टर इन चार्ज और जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो किस में डाली थी रिजर्व लिस्ट में क्योंकि वो गवर्नर ने अपने पास रिजर्व रखी थी तो डीआरकी का एलिमेंट लेके आए थे बाय कैमरलिज कुछ नहीं होता दैट इज नथिंग बट आपका जो पार्लियामेंट है जैसे वो दो हाउसेज में डिवाइडेड है टू तो हाउसेज में लोकसभा एंड राज्यसभा तो उसको हम बाय कैमरलिज बोलते हैं ठीक है तो इस बाय कैमरलिज्म में एक तो आपका था लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आज हम लोकसभा बोलते हैं एंड काउंसिल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा तो बाइक यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डायर की लाई थी एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप किया था पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये याद रख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के साथ तो डिहार की कब लाई थी 1919 नाइनटीन में बाईकेमिजम क्या होता है कब लाया था 1919 में एंड पब्लिक सर्विस कमिटी जो है वो यहाँ पे सेटअप हुई थी ठीक है तो यही काफी लंबा है ये एक्ट लेकिन ये दो तीन चीजें आप याद रखो आपके लिए इतना काफी है ठीक और हमने ये आपका आगे नाइनटीन जो इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए थे हमने यहाँ पे देखे थे दो नाम Uh, एक तो बाल गंगाधर तिलक एंड एन एनी बेसेंट ठीक है इनके साथ कुछ और चीजें एसोसिएटेड हैं जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो इन दोनों का थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक का एंड आपकी एनी बेसेंट का इन्होंने फाउंड की थी थियोसोफिकल सोसाइटी भी इन्होंने सेटअप किया था एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस ठीक है थर्टी 1933 में इनकी डेथ हो गई थी अडियार चेन्नई मद्रास में जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसके हेडक्वार्टर्स थे अदिया चेन्नई में ही चेन्नई और बाल गंगाधर तिलक का देख लो इनको लोकमान्य तिलक भी बोलते थे तो इंपॉर्टेंट है ऐसे आ सकता है लोकमान्य किसका टाइटल था लोकमान्य तिलक ठीक है ये फाउंडर थे डेकन एजुकेशन सोसाइटी के एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट इनके साथ एसोसिएटेड है कि सेलिब्रेट करते थे दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एक था आपका गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती तो ये सेलिब्रेट करते थे ये वाले दो फेस्टिवल्स इन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे ये किया था ताकि लोगों में थोड़ा नेशनलिज्म और यूनिट वाला स्पिरिट जो है वो लाने के लिए इन्ही रीजंस की वजह से मुस्लिम्स जो हैं थोड़ा इनसे इनके आपस में नहीं बनती थी हिंदू मुस्लिम्स की आ, मतलब मुस्लिम्स की बाल गंगाधर तिलक की आइडियोलॉजी के साथ क्योंकि उनका मानना था कि ये नेशनलिज्म में और फ्रीडम मूवमेंट में क्या कर रहे हैं रिलीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जो है ये एज अ पार्ट ऑफ ऑल दिस मूवमेंट एंड ऑल दैट वज वॉज गोइंग ऑन ये फेस्टिवल्स दो जो है ये ऑर्गेनाइज करते थे बहुत बड़े लेवल पे एंड स्वराज इसमें बर्थ राइट एंड आई हैव इट इनका स्लोगन है सुराज बर्थ राइट एंड आई हैव इट दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स इनके साथ केसरी जो वीकली आते थे केसरी ये मराठी में था एंड मराठा ये यश में था ठीक है और इनकी डेथ हो गई थी फर्स्ट अगस्त 1920 ठीक है तो ये सारी चीजें और एक इंपॉर्टेंट चीज बाल गंगाधर तिलक हो गया एनी एनिबेसिंग भी हो गया ठीक है यहाँ पे हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई एक लखनऊ पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट 1916 में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लो एक तो ही वॉज दिस लखनऊ जो पैक्ट है या लखनऊ सेशन ऑफ आई उसमें एक साइन हुआ था एक पैक्ट लखनऊ पैक्ट जिसको बोलते हैं ठीक है इट वॉज प्रोजाइडेड बाई ए सी मजुमदार फाइन तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट है वो यूनाइट हुए थे एंड मुस्लिम लीग जो है और कांग्रेस वो भी यूनाइट हुए थे ठीक है तो आप बोल सकते हो एक्सट्रीमिस्ट को कैसे अब मॉडरेट्स के साथ यूनाइट होने दिया क्योंकि जो स्टॉन्च सपोर्टर्स थे मॉडरेट मॉडरेट्स के उस आइडियोलॉजी के जैसे फेरोज शाह मेहता के टी टिलंक वगैरह एंड आपके जी के गोखले उनकी तब तक डेथ हो गई थी ठीक है वो जो बूढ़े बुजुर्ग है वो चले गए थे एनी बेसेंट एंड तिलक ने भी उनने भी कहा था ठीक है हम कोई वायलेंट मीन्स जो है वो नहीं अपनाएंगे एक्ट ऑफ वायलेंस को उन्होंने डिनाउंस किया था तो इन चीजों की वजह से कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉमन तो बेसिकली हुआ क्या था उन दोनों को रियलाइज हुआ था कि कांग्रेस का स्प्लिट जो है वो इस मूवमेंट के लिए जो है वो हेल्थी नहीं है हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए तो मॉडरेट्स एंड कांग्रेस जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट है वो यूनाइट हो गए थे और मुस्लिम लीग ने भी ज्वाइन किया था कांग्रेस के साथ एक पैक्ट साइन किया था यही लखनऊ पैक्ट ठीक है सामने इकट्ठे आए थे तो इसका क्या रीजन था नाइनटीन में मैंने कहा जब एनलमेंट हुई थी पार्टीशन की तो मुस्लिम्स कोई पसंद नहीं आया था और वर्ल्ड वॉर वन में जो टर्की है ब्रिटिश ने रिफ्यूज किया था हेल्प करने के लिए टर्की को रिफ्यूज टर्की में कौन सी आपकी अंपायर चल रही थी उस टाइम पे खिलाफत वाला टाइम था ऑटोमन एम्पायर ठीक है वो सारी चीजें तो इन हैं मतलब हमारी हेल्प आगे जाके नहीं करेंगे तो इन्होंने क्या किया ब्रिटिश ने हेल्प नहीं रिफ्यूज किया हेल्प करना टर्की को वर्ल्ड वॉर वन के टाइम एनलमेंट ऑफ पार्टीशन वगैरह किया तो इस वजह से जो मुस्लिम्स थे मुस्लिम लीग वो भी फाइनली किसके साथ मिलकर कांग्रेस के साथ और उन्होंने पैक्ट जो है वो साइन किया लखनऊ पैक्ट तो इसमें और और एक इंपॉर्टेंट चीज मुस्लिम लीग में आते आते तब तक मुस्लिम लीग में भी पहले वो बूढ़े बुजुर्ग ही थे तो उसमें भी आते आते थोड़ा जो यंग ब्लड है वो मिक्स हो गया था मुस्लिम लीग के साथ एंड इम्पॉर्टेंट नाम दो आप इसमें याद रख लो मौलाना आजाद यंग मेम्बर्स ऑफ लीग जो थे इनका न्यूज था अल हिलाल एंड मोहम्मद अली इनका था कॉमरेड ठीक है तो यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं अब एक क्विक रिवाइज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए अंडर सिक्सटीन में एक मूवमेंट चली होम रूल मूवमेंट जिसके दो लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ठीक है जो बाल गंगाधर तिलक है उनको स्वदेशी मूवमेंट के बाद छह साल के लिए मंडलिया जेल भेज दिया गया था एंड उसके रिलीज होने के बाद उन्होंने जो लल पीरियड आ गया था तो कांग्रेस में भी लल पीरियड था और जनरली आपके फ्रीडम मूवमेंट में ही लल पीरियड आ गया था उसको बाद में आ, इस मूवमेंट ने थोड़ा बहुत दोबारा रीइगनाइट करने की कोशिश की तो इन इन जगहों पे ये एक्टिव थे एंड एनी बेसेंट इन इन, इन जगहों पे एंड बाकी नाम मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना ये सब जो थे ऑर्गेनाइज ये सब जो थे लीडर्स कि इसके साथ एसोसिएटेड थे होम रूल मूवमेंट के साथ इस टाइम पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी सर सुब्रमण्य अयर ने अपना टाइटल जो है वो रिनाउंस कर दिया था दैट मीन्स गिव अप किया था ठीक है, फिर लेकिन आते आते फेड आउट हो गई थी क्योंकि इफेक्टिव नहीं थी कम्युनल राइट्स हुए थे इंडिया में एंड रिफॉर्म्स के नाम पर मॉन्टेको चेम्स रिफॉर्म चेम्स फॉर रिफॉर्म जो है वो सामने लेके आ रहे थे फाइन एंड तिलक जो थे वो आ, मॉडरेट्स कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी पे अभी भी, भी बिलीव नहीं करते थे और पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करना चाहते थे ठीक है फिर 1917 में क्या हुआ था इंडिया ने अनाउंस किया ब्रिटिश इंडिया ने कि हाँ हम जो इंडियंस हैं उनके लिए एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे वो उन्होंने किया था थ्रू ऑगस्ट डिक्लेरेशन इन नाइनटीन इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई अब सेल्फ गवर्नमेंट अगर डिमांड करते हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ सेडिशन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खुद ही कह दिया कि हम एक गवर्नमेंट ऐसी लेके आएंगे लेकिन कब लेके आएंगे किस तरीके से लेके आएंगे वो हम पे डिपेंड करता है And इस रीजन की वजह से कि इनका हम पे डिपेंड करता है जो फ्रीडम फाइटर्स है वो सटिस्फाइड नहीं थे इस चीज से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हमने डायर की रिजर्वलिस में, में पढ़ाया है बाई दो हाउसेज उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था बाय किसमें इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में और होता क्या है इसमें दो हाउसेज में डिवाइड होता है आपका जैसे पार्लियामेंट दो हाउसेज में चलता है एक आपका लोकसभा राज्यसभा ठीक है उसको बाय कैमलिज्म कहते हैं तो जहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस सारा काम करेगा उसको क्या बोला जाएगा यूनिक ठीक है एंड पब्लिक सर्विस कमेटी भी जो है वो इसी एक्ट के अंडर सेटअप हुई थी फिर हमने कहा थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के बारे में इनको लोकमान तिलक बोला जाता है काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डेकन एजुकेशन सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से एसोसिएटेड है गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती जो है सेलिब्रेट करते थे दो फेस्टिवल्स ताकि लोगों के अंदर वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड यूनिटी लेके आए इस वजह से मुस्लिम जो है इन इनसे नाराज ही रहते थे सो बर्थ राइट एंड आई हैव इट इन्होंने कहा था केसरी एंड मराठा इनके दो न्यूज़पेपर्स थे केसरी मराठी में था मराठा इंग्लिश में था ही डाइड फर्स्ट ऑगस्ट नाइनटीन ट्वेंटी फिर एनी बेसन थियोसोफिकल सोसाइटी सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट बनारस एंड अधियार में डेथ हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे अध्यार में फिर हमने देखा 1916 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का आईएनसी का एंड इट वाज प्रोजाइडेड बाय आई एसी ए मजुमदार जिसमें एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट में दो, दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी लखनऊ से याद रख लेना यूनिटी यूनाइट हुआ था कुछ तो क्या क्या यूनाइट हुआ था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हुए थे एंड मुस्लिम लीग जो है इन्होंने ये लखनऊ पैक्ट साइन किया था कांग्रेस के साथ दैट इज हिंदू मुस्लिम भी मिल गए थे एंड मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट भी मिल गए थे अब मुस्लिम्स ने क्यों मुस्लिम लीग ने क्यों ये पैक्ट किया कांग्रेस के साथ क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से सेटिस्फाइड नहीं थे पार्टिशन को एनल करने की वजह से कि पार्टीशन को रोकने की वजह से क्योंकि उस पार्टिशन से मुस्लिम्स का फायदा हो रहा था एंड वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर ने रिफ्यूज किया था ब्रिटिश ने हेल्प करने के लिए टर्की को इस चीज की वजह से ठीक है एंड दो इम्पोर्टेंट लीडर्स मुस्लिम लीग के आते आते जो आप मतलब तो उस टाइम तक आते आते मुस्लिम लीग के अंदर भी जो यंग ब्लड है काफी ज्यादा आ गया था एंड जो पुराने दादा पर दादा वाले लोग थे मुस्लिम लीग में भी वो भी अब खत्म हो गए थे तो उसमें दो यंग लीडर्स के नाम आपको याद रखने मौलाना आजाद एंड मोहम्मद अली मौलाना आजाद ने क्या लिखा था अल हाल एंड मोहम्मद अली के साथ कौन सा न्यूज पेपर एसोसिएट है आपका कॉमरेड ठीक है तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे गांधी फेज वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कुछ लेक्चर्स में आपका आने वाला जो ये है हिस्ट्री कॉम्पोनेंट ये खत्म हो जाए काफ़ी बड़ा कॉम्पोनेंट है इसलिए मैं आपको वो चीजें सिर्फ बता रही हूँ जिससे थोड़ा बहुत आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाए फैक्ट्स भी आप याद कर पाओ आई नो काफ़ी फैक्चुअल है आपके लिए काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है इतना याद करना बट देन यू गाइज डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन आपको ये रिवाइज याद ये सारी चीज़ें आपको करते रहनी है ठीक है तो टे द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे